हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज परमानेंट पोस्ट सैलरी ₹80,000 अबव एक क्यूना मेट्रोपॉलिटन सिटी का है, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। तो इसी सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रेस्टोरेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। ओके, चलते सब्जेक्ट में। अच्छा देखिएगा, इसमें डिपार्टमेंट ऑफर हो रहा है कॉमर्स, कॉमर्स में 17, इकोनॉमिक्स में 10, इंग्लिश में 10, एनवायरनमेंट स्टडीज़ में 2, हिंदी में 5, हिस्ट्री में 13, असिस्टेंट प्रोफेसर इन होम साइंस विद स्पेसिफिकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट 1, मैथमेटिक्स में 14 और फिलोसॉफी में 4, और असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन के लिए 1, पॉलिटिकल साइंस के लिए 11, संस्कृत के लिए 0.4 और सोशियोलॉजी के लिए 2। अच्छा इसमें देखिएगा, जैसे कि कॉमर्स में 17 है, इसमें तो सभी हर कैटेगरी में है। इकोनॉमिक्स में जैसे 10 वैकेंसीज है, इसमें जैसे अनरिजर्व में 5 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। जैसे कोई एससी एसटी कैटेगरी में अगर अप्लाई करने चाहते हैं, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसमें एससी एसटी स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई है वो अनरिजर्व वाला अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये नोटिफिकेशन कहाँ से देखिएगा, ये नोटिफिकेशन मिला जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली का काफ़ी सारा कॉलेज होता है, इसी का अंदर 2-3 दिन पहले कुछ और ऐसे 2-3 हमें ऑलरेडी वीडियो बनाया था। ये आ जाया जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से, इसका रेफरेंस JDMC एडवर्टाइजमेंट टीचिंग 2022/798 इसका रेफरेंस, और डेट है 21/9/2022 का। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट वेबसाइट लिंक। ये वेबसाइट लिंक आपको अभी हो सकता है फिलहाल करेंटली है इसलिए नहीं मिल सकता, एक दो दिन के अंदर आप लोगों को अपीयर हो जाएगा फॉर्म। द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 विथ पर्सनलाइज एंट्री पे ऑफ रुपीस बेसिक पे 57,700 एज पर 7 CPC पे मैट्रिक्स इन एडिशन टू द अदर यूजुअल अलाउंसेस। द लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 7 अक्टूबर 2000। देखिएगा ये आज है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 24 तारीख को, ये 7 अक्टूबर 2022 तक इसका लास्ट डेट, 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट। देखिएगा ये जो अप्लाई करने चाहते हो एलिजिबल है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के इंतजार मत करें, लाइम टाइम ओवर हो जाता है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा है तो एलिजिबिलिटी है और विलिंग है तो अप्लाई कर दीजिए। फॉर डिटेल्स प्लीज़ विजिट द कॉलेज वेबसाइट www.jdm.du.ac.in एज वेल द यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली वेबसाइट। ये जो दिया गया पर्सन आर बेंच मार्क डिजेबिलिटी PWPD कैंडिडेट में अप्रोच द हेल्प डेस्क सेटअप एट द कॉलेज इन केस दे रिक्वायर एनी असिस्टेंट इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब चीज बाकी देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज लॉ साइंस सोशल साइंस साइंस लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन। देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी ए और बी, ए नहीं एलिजिबिलिटी होना पड़े, नहीं तो बी, दोनों में से किसी को एक एलिजिबिलिटी होने वाला। ए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड
इन ए कॉन्सर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एग्रीटेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। अच्छा देखिए, बिसाइड फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सीएसआईआर एग्जामिनेशन फ्रॉम नेट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस द विथ क्लॉज कॉज एन टू और थ्री टू एंड थ्री जनरल नोटिस इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। बी में एक देखिएगा पीएचडी डिग्री, द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ ए रैंकिंग अलोंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक्चुअली देखिए क्यूएस द टीएचई मतलब द टाइम हायर एजुकेशन और द एआरडब्ल्यूडी ये सब चीज ऑफ द शंघाई जेआईओ टांग यूनिवर्सिटी संगठन संगति देखिए ये सब चीज आप लोगों को रहना पड़ेगा। और इसमें जो जनरल नोट, जनरल नोट आप लोगों को देख लीजिएगा, ये आप लोग कोई नोटिफिकेशन आप लोग अपने तरफ से क्या क्या चीज़ें बारीकी से हर सेंटेंस केयरफुली पढ़ के उसके बाद अप्लाई करेगा। रिलैक्सेशन जो जो जिस कैटेगरी के रिलैक्सेशन है वो भी अपना तरफ से पढ़ लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन और इसमें देखिएगा उसके बाद एप्लीकेशन फी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज पर डिटेल्स गिवेन बिलो। देखिएगा फी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर रुपीज 500 फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एन वोमेन कैटेगरी एप्लीकेशन ये वोमेन मतलब ऑल कैटेगरी ओपन का फी वंस पेड विल बी नॉट बी रिफंडेबल अंडर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो ये सोच समझ के आप लोग फिलअप करिएगा। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ये जो क्राइटेरिया वगैरह ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और कमिटी ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्क्रीनिंग जो प्रोसेस दिए कैसे कैसे होगा ये आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया गया, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इम्पोर्टेंट नोट। तो इतने हैं, ये 11 पेज का नोटिफिकेशन है अपने तरफ से पढ़ लीजिएगा। तो देखिएगा इसका वेबसाइट इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिले दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसमें जाके स्क्रॉल करके नीचे चला जाइएगा। नीचे चला जाने के बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इसी को आप लोग प्लीज़ क्लिक द हेयर टू मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ये जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इसको क्लिक करके जो आप लोगों सर नोटिफिकेशन को शेयर किया इसी को आप अपने तरफ से बारीकी से पढ़ लीजिएगा उसके बाद अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प लो। जय हिंद, भारत माता की जय। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को हिट करिएगा और ऑल को दबा दीजिएगा जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।